हेलो सिक्स क्लास, वेलकम टू मैथ्स क्लास. बेटा लास्ट क्लास वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 9, सो वी विल स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्लेस स्टार बाय स्मॉलेस्ट डिजिट टू मेक इट डिविजिबल बाय 9. बेटा डिविजिबिलिटी रूल क्या था 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये था कि जो सम होता है ना उनका सारे डिजिट का, वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो 9 से डिविजिबल है. अब फर्स्ट जो हमारा सम है वो है 5 6 * 5. अब इसमें क्या चीज़ करें कि हमारे पास 9 से डिविजिबिलिटी आ जाए. अब बेटा 5 + 6 + 5, अब यहाँ पर तो स्टार है जो उसमें बचा हुआ है, हमारा बीच का है ना स्टार, मैंने यहाँ लगाया. 10 16, अब हमारे पास 16 + स्टार है. अब इसमें बेटा क्या करें कि हमारा डिविजिबिलिटी 9 से हो. अब हम अगर इसमें 2 + करते हैं तो 16 और 2 कितने हो गए, 18. अब 18 9 के टेबल में आता है ना, 18 आता है ना, 9 2 = 18. तो इसमें अगर हम 2 + करते हैं, यानी कि स्टार वाली जगह पे हम 2 प्लेस करते हैं, तो हमारा 18 आ जाता है इसको करने पर. ठीक है, जो स्टार वाली जगह है ना, 5 + 6 + 2 + 5, देखो स्टार वाली जगह पे हमने क्या कर दिया, 2. 10 16 और 2 18, टोटल कितना आ गया, 18 आ गया. अब ये डिविजिबल है 9 से, 2 आ जाएगा इसका आंसर. ठीक है ना, तो इसी अकॉर्डिंग हमने करना है कि पहले हम प्लस करके देखेंगे और प्लस करने के बाद जो हमारी डिजिट रह जाएगी वो हम उसको देख लेंगे. ठीक है ना, ऐसे ही सेकंड सम है 3 1 * 4 2. 3 + 1 + * + 4 + 2, 4 8 10, कितना आ गया, 10 + * अब इसमें क्या प्लस करें कि हमारे पास कोई डिजिट आ जाए 9 की. अगर हम इसमें 8 + कर दें, 10 + 8 = 18 आ गया, 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा इसकी डिजिट, हम क्या रखेंगे, 8. तो डिजिट का आंसर क्या आएगा, 8, और इसमें आंसर क्या था हमारा, 2. तो बेटे इसी अकॉर्डिंग आपने बाकी के सम्स भी फिल करने हैं, कि आपने पहले डिविजिबिलिटी रूल देखना है कि डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या था, कि इन सबको प्लस करने पर हमारा 9 से डिवीजन होना चाहिए. प्लस करके देखना है कि कौन सी डिजिट कम आ रही है, हम उसमें क्या प्लस करें कि हमारा ऐसा डिजिट आए, जैसे 18 23 आता है, तो अगर हम उसमें 4 + करते तो 27 हो जाएगा, 9 3 = 27. इसी अकॉर्डिंग आपने ये सारे के बाकी के जो सम है ना वो फिल करने हैं. ठीक है बेटे, अभी इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा. उसमें क्या करना है कि स्टार दे रखा है इसमें भी, और स्मॉलेस्ट डिजिट देखनी है कि वो डिविजिबिलिटी किससे हो, 11 से हो. ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट है हमारी 3 5 * 6. ठीक है, ये है. अब इसमें क्या है, ऑर्डर इवन डिजिट प्लेसेस थी. अब जैसे ये है, इसको छोड़ा और ये है, 2 हो गई हमारी 5 + 6. ठीक है, हमारी ऑड, ये ऑड है, ओके, डिजिट सी कितना हो गया, 11. अब उसके बाद 3 में क्या प्लस करें कि हमारा 11 से वो डिवाइड हो सके. अगर हम 3 में 5 + करते हैं तो 8 होता है, 6 + करते हैं तो 9 होता है, 7 + करते हैं तो 10 होता है, 8 + करते हैं तो 11 होता है. यानी कि अगर हम इसमें 8 + करें तो 11 आ जाएगा. यानी कि जो स्टार है उसमें क्या प्लस करेंगे हम, स्मॉलेस्ट डिजिट 8 रखेंगे, 11 और ये 11. ठीक है, तो इसका ये सिस्टम बनेगा. इसमें भी वही अपने प्रोसीजर देखना है. इसकी डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद है ना तो आप कोई भी सम कर सकते हो, हमें डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए बस. तो इसमें भी डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि ऑर्डर इवन प्लेसेस को प्लस करने वाला. ऐसे देखो सेकंड क्वेश्चन है 4 3 9 * 7 1. अब ये 1 लिया, प्लस स्टार है, +3. ठीक है, अब ऐसे ही 7 9 4. ठीक है बेटे, अब इसको प्लस करना है. 3 और 1 कितने हुए, 4 + * ओके. अब इसमें इसको प्लस करेंगे, 9 और 7 + 4,
इसको प्लस करने पे 20 आया, ठीक है। इसको डिविजिबल, इसको प्लस करने पे कितना आया 20। अब 4 में हम क्या प्लस करें कि ये हम 20 के में से माइनस कर सके। अगर हम इसमें 5 प्लस करते हैं तो 9 हो जाएगा, तो डिफरेंस 20 माइनस 9 इज इक्वल टू 11, ठीक है ना। तो इसी अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन करने, यानी कि स्टार में हम 5 प्लस करेंगे तो हमारी डिजिट क्या बन जाएगी, 439571, ये हमारी डिजिट कंप्लीट हो, ठीक है। जो स्टार था वो हमने क्या लिया, 5। तो बेटा इसी अकॉर्डिंग हमने बाकी के क्वेश्चन भी करने हैं, ओके। तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।